पहले वो डासना का है, मैं समझता हूँ मानसिक रूप से विकृत आदमी है। ऐसे वैसी लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए जो समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को किसी सूरत भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मैंने अभी होम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है कि ये माहौल खराब कर करके पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सख्ती के साथ करनी चाहिए। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई काम ऐसा ना करें जिस काम से इन लोगों को उन नफरतों को और हवा देने का मौका मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इनके किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं है, और हमारे लिए आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में गुस्ताखी करने वाला किसी भी सूरत में माफ़ी लायक नहीं है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों ने सब लोगों ने हिंदू मुसलमानों ने मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ा, उन चुनाव जीते, और ये जीत की बौखलाहट है कि आज इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर फैलाना चाहते हैं कि देश के अंदर एक नफरत का माहौल बने, मोहब्बत का जो बात करने वाले लोग हैं वो कमज़ोर हों। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जमहूरियत के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार जहाँ पर है वहाँ पर आप लोग मोहब्बत की बात करने वालों के साथ खड़े होने का काम करोगे तो मोहब्बत से ही मुल्क चल सकता है, मोहब्बत से ही हम लोग सब लोग तरक्की कर सकते हैं। आज के हालात के अंदर बहुत बुरे हालात हैं, अभी आप मीडिया के अंदर चल रहा है कि इसराइल के ऊपर बम मार दिए और ईरान को आतंकवाद का चेहरा घोषित कर दें, और इसराइल ने जो पिछले एक साल के अंदर 41,000 लोगों को मारा है फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन वाले आतंकवादी हैं, फिलिस्तीन के लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के लोग। और हमारी फॉरेन पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान भी जारी हो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। 41,000 लोग फिलिस्तीन के अंदर मारे गए, 902 फैमिली गाजा के अंदर से वाइप आउट हो गए रजिस्टर में से, कोई उनका ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं बचा, 902 फैमिली। ये कल ही अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी, उसके अंदर 41,000 लोग मारे गए, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं, बात नहीं। हमारी देश की राज पॉलिसी है कि हम लोग शांति के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें और शांति रखें, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है हमारी, ये मीडिया ऐसी हो गई है, इन्हें झूठ और फर्जी बातें बोलने की आदत है और नफरत फैलाने की आदत है। इसराइल से इनका क्या लेना देना है, इसराइल से इनका क्या लेना देना है? इसराइल का साथ झगड़ा अपनी सीमाओं को लेकर के है, इसराइल उनकी सीमाओं में घुस रहा है, चाहे वो लेबनान की हो चाहे वो फिलिस्तीन की हो। फिलिस्तीन के लोगों ने जो बेचारे हॉस्पिटल में शेल्टर लिए हुए थे उनको मार दिया, जो बेचारे स्कूलों में शेल्टर लिए हुए थे उनको मार दिया, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करके पूरा फिलिस्तीन तबाह और बर्बाद कर दिया। फिलिस्तीन ईरान ने उसके ऊपर 4 बम मार दिए तो उसके ऊपर पूरा का पूरा एकदम ईरान आता, ईरान ने क्या, ईरान के को भी वही अधिकार है जो अधिकार आपको है। इसलिए हम बात अपनी अगर बात करें तो हमारी देश की पॉलिसी है कि हम लोग शांति के पक्षधर हैं और हम लोग चाहते हैं कि दोनों लोग संयम के साथ काम करें। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि सहारनपुर के लोगों, आप लोगों के लिए मेरे सांस चलता है, मुझे हर वक्त आपका ख्याल रहता है, हमेशा ही आप जानते हो जिसको तकलीफ हो। अभी रेड़ी पटड़ी वालों का चल रहा था, अभी ये सब लोग गए, कल शाहनवाज गए थे और मैं भी गया था, और वहाँ डिमार्केशन करा दिया रेड़ी वालों के लिए कि रेड़ी उनके पीछे लगेंगे। हम सब लोग लगे हुए हैं, चाहे शाहनवाज हो, शायान हो, गमजा हो, संदीप हो, संदीप चौधरी हो, संदीप राणा हो, हमारी पूरी टीम जितनी भी पूरी की पूरी टीम है वो सारी टीम हर वक्त आपकी खिदमत के अंदर लगी हुई है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अलावा कोई दिखाई भी नहीं देता। अगर आप मीडिया में भी देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, जहाँ भी काम करने की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत हो रही है, वहाँ आप ही की पूरी टीम है, और टीम से ही काम होता है। सब लोग मिलकर के काम करें, हम सब लोग मिलकर के सही चलें, सही रास्ते पे चलें, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की बात करें, इत्तफाक की बात करें, नफरत की जहाँ बात हो उस नफरत की बात के अंदर हम मोहब्बत की बात शामिल करने का काम करें, यही हमारा काम है। बहुत बहुत